दोस्तों नमस्कार, जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, झारखंड सरकार की टॉप 3 वैकेंसियों की अपडेट लेकर के आए हैं। ये सभी वैकेंसियां झारखंड सरकार द्वारा निकाला गया है। आप सभी कैंडिडेट जो भी इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया जॉब है दोस्तों, तो ज़रूर आवेदन कीजिए इन वैकेंसियों की। सारे वैकेंसियों के बारे में एक एक करके आपको जो है बताई जाएगी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को अब शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पर भी लेटेस्ट वैकेंसियों की अपडेट आपको जो है मिलती रहती है। तो दोस्तों देखिए, बड़ी वैकेंसी की अपडेट निकल कर आई है। झारखंड गवर्नमेंट यानी झारखंड सरकार की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जीएसएससी की तरफ से यह वैकेंसी निकाला गया है। पोस्ट है फील्ड वर्कर के लिए। कुल मिलाकर 510 पदों की यह वैकेंसी निकल कर आई है। तो आप सभी कैंडिडेट जो भी इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे 18,000 से लेकर के 56,900 आपको जो है पेमेंट दी जाएगी। लेवल 1 के अनुसार आपको यहां पर पेमेंट मिलेगी। देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ध्यान रखिएगा जितने भी कैंडिडेट 10th पास किए हुए हैं इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो मिनिमम एज देखिए 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है जनरल वालों के लिए 35 वर्ष रखा गया है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष है। एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए देखिए 40 वर्ष तक है और फीमेल वाले जितने भी हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उसके लिए जो है 38 वर्ष तक जो है मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें फॉर्म भराना जो है स्टार्ट हो रही है अगस्त महीना में, यानी 1 अगस्त से स्टार्ट होगी। 31 अगस्त तक आप जो है फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। फ़ी की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, फ़ी आपको जो है 100 रुपये लगेगी। जितने भी कैंडिडेट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं सबको 100 रुपये पेमेंट देनी पड़ेगी और जितने भी कैंडिडेट एससी एसटी हैं झारखंड के आप हैं तो 50 रुपये आपको देनी पड़ेगी। अदरवाइज दोस्तों आप कोई अदर स्टेट से आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो है 100 रुपये ही पेमेंट करनी पड़ेगी। सिलेक्शन कैसी होगी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन फॉर्मेलिटी के लिए मेडिकल टेस्ट होगी और आपका जो है सिलेक्शन इसमें हो जाएगी। तो देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन जो इसमें लिया जाएगा सो 3 पेपर होगी, एक ही दिन में कंप्लीट होगा, जो कि पेपर 1 भाषा ज्ञान से सवाल रहेगा। कुल मिलाकर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की समय आपको जो है 2 घंटा दिया जाएगा इसमें, जिसमें से हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न है और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से देखिए 40 प्रश्न रहेगा। और पेपर 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, 30% आपको जो है अंक लाना इसमें जरूरी है। यानी आप कुल 120 प्रश्न है इसमें, तो इसमें देखिए आपको जो है 30% आपको जो है सही करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी 36 प्रश्न आपको इसमें देखिए आपको जो है सही करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 2 जो कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान से सवाल रहेगा। इसमें देखिए कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मल्टीपल यानी बहुविकल्पीय उत्तर रहेंगे। कोई एक लैंग्वेज आपको देखिए इसमें जो है सिलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या भाषा है, हिंदी है, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तो इन सभी में से कोई एक आपको चुननी पड़ेगी जिसको आप एग्ज़ाम दें, आपको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, 100 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे और इसमें भी देखिए आपको जो है कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपका जो है पेपर 3 चेक होगा। उसी तरह से पेपर 1 आपको 30% आपको लाना होगा, तभी आपका जो है पेपर 2 चेक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। उसके बाद देखिए पेपर 3 होगी, पेपर 3 एग्ज़ाम जो कि सामान्य ज्ञान से कुल मिलाकर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का समय देखिए 2 घंटा है। सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न है, झारखंड जीके से देखिए 50 प्रश्न, सामान्य गणित से 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न इसमें रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग से देखिए इसमें जो है क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए लिस्ट में नहीं दिया है। कुल मिलाकर 120 प्रश्न, 2 घंटा का समय है। ठीक है, तो पेपर 2 और पेपर 3 मिलाकर दोस्तों आपका जो है मेरिट बनेगा, इसी के आधार पर देखिए आपका जो है सिलेक्शन होगी। तो दोस्तों देखिए बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी की गई है। झारखंड सरकार द्वारा भी चौकीदार पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी की गई है। कुल मिलाकर 1311 पद का अभी तक जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। ध्यान रखिएगा जो भी कैंडिडेट 10th पास किए हुए हैं इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट दोस्तों ध्यान रखिएगा जितने भी कैंडिडेट जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 वर्ष रखी गई है। ओबीसी के लिए ध्यान रखिएगा 37 वर्ष है। ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी के हैं और महिला और इसमें पुरुष दोनों के लिए जो है 40 वर्ष तक रखा गया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों फीमेल कैटेगरी के जनरल हैं, ओबीसी हैं,
EWS हैं तो आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है 38 वर्ष तक रखी गई है, ठीक है। तो इसका आप जो है ध्यान रखिएगा। सैलरी देखिए आपको इसमें जो है 18,000 से लेकर के 56,900 मिलेगी। लेवल वन के अनुसार आपको इसमें देखिए पेमेंट दी जाएगी। अभी तक दोस्तों कुल मिलाकर 5 जिलों से यह वैकेंसी आई है। पलामू में 155 पोस्ट है, सरायकेला में 357 पोस्ट है, जामताड़ा से 343 पोस्ट है, खूंटी से 150 पोस्ट निकल कर आई है और जमशेदपुर से 306 पदों के लिए वैकेंसी अभी तक जो है जारी की गई है। तो अभी तक 5 जिलों की वैकेंसी है, आपका जिला में भी यह वैकेंसी आएगी, आपको अपडेट की जाएगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जब भी वैकेंसी आएगी आपको सूचना कर दी जाएगी। साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको जो है टेलीग्राम पर अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए इन सभी जिला के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फॉर्म अभी जो है आप चौकीदार के आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए तो सिलेक्शन कैसी होगी इसमें, तो रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें से 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का, 1.5 घंटा का आपको इसमें देखिए समय दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों जो क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा इसमें जिला से संबंधित जनरल नॉलेज पूछे जाएंगे, उसके बाद लोकल लैंग्वेज से संबंधित जो है क्वेश्चंस रहेगा, कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन टोटल यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1.5 घंटा आपको जो है इसमें समय दिया जाएगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट होगी इसमें दोस्तों, फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा जिसमें हाइट वगैरह और दौड़ वगैरह आपका जो है लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिजिकल टेस्ट में हाइट ली जाएगी। तो हाइट जो है जितने भी मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के हैं और आपका OBC हैं और EWS कैटेगरी के हैं तो 160 सेंटीमीटर लिया जाएगा, और SC और ST आप हैं तो दोस्तों आपका जो है 155 सेंटीमीटर लिया जाएगा, और फीमेल कैटेगरी के हैं तो आपका 148 सेंटीमीटर ली जाएगी हाइट, ठीक है। और वहीं पर देखिए दौड़ कैसे होगा दोस्तों, रनिंग आपका जो होगा इसमें दौड़, तो ध्यान रखिएगा 1 मील आपको दौड़नी पड़ेगी, 1 मील, और 1 मील को जो है मेल कैंडिडेट को कंप्लीट करना है 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में कंप्लीट कर लें तो आपको देखिए तो आपको 20 नंबर मिलेगा, और 5 से 6 मिनट में कंप्लीट करते तो आपको यहाँ पर देखिए 10 नंबर मिलेगा। और जितने भी कैंडिडेट फीमेल कैटेगरी के हैं तो 1 मील आपको दौड़नी है जो कि 8 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, 8 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं तो 20 नंबर मिलेगा, और 8 से 10 मिनट में आप कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसका आप जो है ध्यान रखिए, इस तरह से आपका देखिए फिजिकल टेस्ट होगी। उसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका जो है मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका इसमें जो है सिलेक्शन हो जाएगी। अप्लाई मोड जो है आपका ध्यान रखिए ऑफलाइन तरीके से करनी है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अप्लाई करनी है। और कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, जिला वाइज आपका जो है दे दी गई है कौन से जिला का नोटिफिकेशन जो है, सभी का अलग अलग जिला का जो है नोटिफिकेशन दिया हुआ है नीचे, और उसमें दोस्तों लिख दिया है कि आपको जो है फॉर्म भर के कहाँ पर सेंड करना है, और अप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है वहीं पर से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो इसका आप जो है ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों देखिए बड़ी वैकेंसी की अपडेट निकल कर आई है, झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से है, जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी GSSC की तरफ से देखिए परीक्षा ली जानी है। और यहाँ पर जो पोस्ट है कलर के लिए है, स्टेनो के लिए है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकल कर आई है, जहाँ पर कलर में 836 पोस्ट है और स्टेनो यानी स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट में देखिए कुल मिलाकर 27 पोस्ट की वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी कैंडिडेट 12th पास किए हुए हैं इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा अप्लाई इसका जो है शुरू हो गया है, तो इच्छुक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो देखिए मिनिमम जो है 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल EWS के लिए 35 वर्ष है, OBC के लिए 37 वर्ष, SC ST मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष तक एज लिमिट है, और जितने भी कैंडिडेट महिला हैं जनरल OBC EWS कैटेगरी के 38 वर्ष तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज कैलकुलेशन जो है मैक्सिमम एज कटअप देखिए रखा गया 1/8/2019, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका। देखिए अप्लाई जो है इसका शुरू हो गया है, 11 जुलाई से ही फॉर्म भरा रहा है, 10 अगस्त तक आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे फ़ी आपको देनी पड़ेगी 100 रुपये, और जितने जो कि जनरल OBC EWS हैं, बाकी जितने भी कैंडिडेट SC ST कैटेगरी के हैं 50 रुपये आपको देना पड़ेगा जो कि झारखंड डोमिसाइल के, ठीक है। आप अदर स्टेट से आवेदन कर रहे हैं तो आपको 100 रुपये ही पेमेंट लगेगी, पेमेंट नॉन रिफंडेबल रहेगा, पेमेंट आपको जो है वापस नहीं की जाएगी। सिलेक्शन कैसी होगी दोस्तों, तो देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल टेस्ट के बाद आपका जो इसमें सिलेक्शन होगी। रिटर्न एग्जाम जो होगा 3 तरह का पेपर लिया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और तीनों ही पेपर जो है एक ही दिन में एग्जाम ली जाएगी। उसके बाद देखिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, इसमें लोअर डिविजनल कलर के लिए जो है इसमें टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी, और स्टेनो और पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो है स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका जो है इसमें लिया जाएगा। देखिए सर इसमें जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगी आपका पेपर 1 जो कि लैंग्वेज नॉलेज से सवाल रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे,
समय 2 घंटा रहेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। हिंदी लैंग्वेज से 60 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 देखिए ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज से क्वेश्चंस रहेंगे, 120 क्वेश्चन, समय 2 घंटा आपको इसमें देखिए मिलेगी। उसके बाद देखिए पेपर 3 जो कि जनरल नॉलेज से सवाल रहेंगे 120 क्वेश्चन का, समय 2 घंटा इसमें भी आपको मिलेगी। यहाँ पर जनरल नॉलेज से देखिए 30 क्वेश्चन है, झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन है, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर पर देखिए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग से देखिए सवाल आपका जो है रहने वाला नहीं है, मैथ रीजनिंग साइंस देखिए इसमें आपको जो है नहीं पूछा जा रहा है। तो इतना देखिए आपका जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर 2 और पेपर 3, ये दोनों पेपर मिला करके दोस्तों आपका जो है मेरिट बनेगा, इसी के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगी।